जिसका फेज डिफरेंस सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड करे, टाइम के साथ चेंज ना। तो एटलीस्ट मुझे दो सोर्सेज चाहिए इंटरफेरेंस करवाने के लिए, एक से तो कभी इंटरफेरेंस होगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो कैन टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बी कोहेरेंट? नाउ दैट इज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। मैं तुमको एक सिचुएशन देके बताता हूँ। लेट अस से कि यहाँ पर ऐसा दो स्लिट्स लिया है। स्लिट्स मतलब क्या, मैं समझाऊँ? ये साइड व्यू है, एक्चुअली में चीज ऐसा है, ऐसा बात समझ में आया? ये जो छोटा सा गैप तुमको दिख रहा है, इसको हम क्या बुलाते, वी कॉल इट एज स्लिट्स। स्लिट्स मतलब एक रेक्टेंगुलर पतला सा स्पेस, करेक्ट? इज दैट क्लियर? ओके। और यहां पर स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, इज दैट क्लियर? ओके। तो यहां से लाइट निकलेगा, यहां से लाइट निकलेगा और स्क्रीन पे हम इंटरफेयर करवाएंगे। स्क्रीन पे दोनों लाइट जाके गिरेगा और हम ये देखेंगे क्या वो स्क्रीन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। लेकिन उसके पहले अगर मुझे दो सोर्सेज चाहिए, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट सोर्स, लेट अस से दिस इज द सेकेंड सोर्स, इसके सामने मैंने एक बल्ब सोडियम बल्ब जला दिया और इसके सामने भी मैंने दूसरा सोडियम बल्ब जला दिया, दिस आर टू डिफरेंट बल्ब्स। इज दैट क्लियर? दोनों वेव्स छोड़ेंगे, यहाँ से कुछ वेव आया होगा, यहाँ से कुछ वेव आया होगा, दोनों वेव्स छोड़ेंगे स्क्रीन में, दोनों वेव्स जाके स्क्रीन में यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे। तो इस जगह का जो फेज डिफरेंस होगा, विल इट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम? विल इट चेंज विद टाइम? विल दैट वैल्यू ऑफ डेल फाई चेंज इन विद टाइम? देखो इस केस में इन दोनों वेव्स का अगर मैं पाथ डिफरेंस पूछूँ तो पाथ डिफरेंस क्या है? जीरो, बिकॉज यू हैव कंसिडर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन और स्क्रीन के सेंट्रल पोर्शन में पहले वाले वाइफ को वेव को पहुँचने में जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, दूसरे वाले वेव को भी पहुँचने में उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, राइट? सो देर इज नो केस ऑफ एनी पार्ट डिफरेंस, राइट? तो पार्ट डिफरेंस इन दिस केस डेल एक्स को हमने जीरो मान लिया और हमने डेल फाई का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है देखा, एक्स पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? टाइम। इज दैट क्लियर? नाउ वेदर दिस टू सोर्सेस आर कोहेरेंट और नॉट, अगर कोहेरेंट है तो सिर्फ एक्स पे डिपेंड करें, इनकोहेरेंट है तो टाइम पे डिपेंड करें, और अगर हमको सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए वी नीड कोहेरेंट सोर्स, ऐसा सोर्स जिसका पाथ डिफरेंस सिर्फ, जिसका फेज डिफरेंस सिर्फ पाथ पे डिपेंड है। कैन टू सोडियम बल्ब्स, कैन टू सेपरेट सोडियम बल्ब्स बी कोहेरेंट सोर्सेस? ओके, कम ऑन, एनी गेस, कैन दे बी कोहेरेंट सोर्स? बल्ब हम क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज बल्ब से लाइट निकलता है, उसी लाइट का इंटरफेरेंस करना है। अगर दोनों को कोहेरेंट होना है तो पहला बल्ब जैसा लाइट छोड़ेगा उस वक्त, उसी वक्त दूसरे बल्ब को एग्जैक्टली वैसा ही लाइट छोड़ना पड़ेगा। मतलब पहला बल्ब जैसा लाइट वेव छोड़ेगा दूसरे बल्ब को भी एग्जैक्टली सेम फैशन ऑफ लाइट वेव छोड़ना पड़ेगा, तब जाके डेल फाई का वैल्यू सिर्फ लोकेशन पर डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एक बल्ब लाइट कैसे छोड़ता है तुमको पता है? बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, फिलामेंट से करंट पास करता है, करंट अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, फिलामेंट में एटम्स होते हैं। जब करंट पास करता है वो एटम्स क्या करते हैं, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब्जॉर्व करके द इलेक्ट्रॉन्स दे गेट एक्साइटेड एंड दे जंप अप टू द हायर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। पढ़ा होगा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्व करके हायर ऑर्बिट्स में जंप कर जाते हैं। लाइट कैसे निकलता है? एज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स दे हैव जंप्ड अप टू द हायर ऑर्बिट्स एंड वी नो दैट द हायर ऑर्बिट्स आर व्हाट, अनस्टेबल, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉन टू स्टे इन द हायर ऑर्बिट्स फॉर ऑल देयर लाइफ। विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स विल अगेन जंप बैक टू देयर लोअर ऑर्बिट्स। कम ऑन, समझ में आ रही नहीं यार? जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो दोनों ऑर्बिट्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, दैट एनर्जी इज एक्चुअली रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स।
कम ऑन, पढ़ा नहीं पढ़ा, इन द फॉर्म ऑफ दैट इज लाइट, वही लाइट है. जब उस फोटोन का लैम्डा या फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में होता है तो हमको वो दिखाई देता है. दिस इज हाउ लाइट इज प्रोड्यूस्ड. यू गिव एटम्स एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स, दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, दे विल जंप ऑन टू द हायर ऑर्बिट्स, बट दे विल नॉट स्टे इन द हायर ऑर्बिट्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट इज अनस्टेबल. सो द इलेक्ट्रॉन्स विल अगेन जंप बैक, एंड व्हेन दे जंप बैक द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स इज एक्चुअली रिलीज्ड और कैरीड अवे बाय द फोटोन, राइट. अभी एटॉमिक एक्साइटेशन जो है उसका कोई एल्गोरिथम होता है क्या, कोई रूल्स होता है क्या, कोई फिक्स रूल होता है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड तक ही जाएगा. पूरा रैंडम प्रोसेस है ना यार, एटॉमिक एक्साइटेशन इज कम्प्लीटली ए रैंडम प्रोसेस. तो दो तुम्हारे पास जो सोडियम बल्ब है दोनों में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर रहे हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट्स में आ जाएंगे और लाइट छोड़ेंगे, और ये जो दोनों लाइट निकलेगा ना ये तो अपने हिसाब से निकलेंगे, कोई रूल नहीं है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा. बात समझ में आ रहा है? मतलब तुम अगर इनको स्पीकर्स के साथ यू नो कंपेयर करोगे तो ऐसा केस है जहाँ पर दोनों स्पीकर्स अपने मर्जी से गाना बजा रहा है, ये कुछ और गाना बजा रहा है, ये कुछ और गाना बजा रहा है. मतलब दोनों से जो डिस्टर्बेंस निकल रहा है वो हमेशा टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो. इज दैट क्लियर? सो कहने का मतलब ये है कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस जो लाइट छोड़ते हैं ना उनका कोई फिक्स रूल नहीं होता, रैंडम प्रोसेस है. समझ में आया? सो दिस टू लाइट सोर्सेस या टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कैन नेवर बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेस बिकॉज दे डोंट इमिट लाइट इन ए पर्टिकुलर फैशन. द वे द लाइट इज इमिटेड इज कंप्लीटली रैंडम. सो द फेज phi besides depending on x it will also depend on time, and if the phi changes with time किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के इंटेंसिटी फिक्स्ड नहीं होगा, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होता रहेगा. और अगर हम उसको देखेंगे और इतना फास्ट चेंज होता है ना उस जगह का इंटेंसिटी कि हमको फाइनली क्या दिखाई देगा, सिर्फ एवरेज वैल्यू दिखाई देगा, दैट इज टू आई नॉट. और वही चीज़ इस रूम में हो रहा है, हर जगह लाइट की इंटेंसिटी क्या है, नियरली सेम है. बिकॉज यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है या वो बल्ब, ये बल्ब दिस आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेस, बाहर का जो सनलाइट आ रहा है दिस इज नॉट ए कोहेरेंट सोर्स. तो हर जगह इंटरफेरेंस तो हो रहा है लेकिन मुझे ब्राइट और डार्क स्पॉट इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज उस जगह पर ब्राइट डार्क एवरेज इतना फास्ट हो रहा है कि हमको हमेशा क्या दिखाई दे रहा है, एवरेज ब्राइटनेस दिखाई दे रहा. लेकिन हमको इंटरफेरेंस स्टडी करना है, ऐसे सिचुएशन से हम इंटरफेरेंस स्टडी नहीं कर पाएंगे. मुझे सस्टेन इंटरफेरेंस चाहिए और सस्टेन इंटरफेरेंस अचीव करने का सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि मुझे किसी तरह दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट चाहिए. कैसा चाहिए? दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, दो लाइट्स जो एक ही फैशन का डिस्टरबेंस छोड़े टाइम के साथ. ये सा तो ये भी सा, ये रे तो ये भी रे, ये गा तो ये भी गा. बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जैक्ट क्लियर? जो कि टाइम पर डिपेंड ना करे, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, तभी जाके हम दोनों लाइट सोर्सेस को क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस. और हमने ये भी समझ लिया कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते. तो यहाँ पर आया थॉमस यंग. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वॉज एबल टू यू नो मेक ए सिस्टम वेयर देयर वर टू लाइट सोर्सेस ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. तो बहुत इंटरेस्टिंग था. स्पीकर के केस में तो MP3 पे प्लेयर लगा तो हो जाएगा, लाइट के केस में अचीव करना बहुत मुश्किल था. उसने बहुत स्मार्टली इस चीज़ को किया, बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को किया कि किस तरीके से उसमें दो लाइट सोर्सेज विच आर कोहेरेंट उसको प्रोड्यूस किया. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तुमको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. मैं बताता हूँ कैसे किया उसने. तो उसने क्या किया ना, उसने दो सोडियम बल्ब यूज़ नहीं, ये तो सेटअप था उसका. उसने क्या किया, यहाँ पर और एक स्लिट लगाया, राइट ऑन स्टेट, यहाँ पर ऐसा स्लिट लगा. देखो दिखने में ऐसा है लेकिन दिखने में एक्चुअली वैसा हो रहा है, एक ऐसा स्लिट लगा. और इस तरफ से प्लानर वेव फ्रंट, कैसा वेव फ्रंट, प्लानर वेव फ्रंट, राइट ऑन स्टेट, दिस आर प्लानर वेव फ्रंट, राइट. इस तरफ से प्लानर वेव फ्रंट क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया. इज दैट क्लियर? जस्ट राइट ऑन स्टेट, यहाँ से वेव फ्रंट आके इस स्लिट को अगर हिट करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंगल स्लिट मतलब
ऐसे जस्ट राइट ऑन स्टेप यस राइट और पीछे से फ्रॉम द बिहाइंड जो येलो कलर का तुमको दिख रहा है दिस आर प्लैनर रिफ्लेक्स ये अगर हिट करे तो हगिंस ने क्या कहा एवरी पॉइंट ऑन द स्लिट will behave as a secondary source of disturbance. Is that good? And they will produce their own waveforms. Can I say, all these small, small dots which are behaving like secondary source of disturbance, they're exactly in the same phase? Because all these disturbances are a part of the same wavefront. Samajh mein aaya? To ye jo slit hai, wo kaisa wavefront produce karega? Yahan se jo light niklega, wo kaisa niklega? Light ka jo wavefront niklega, wo kaisa niklega? लाइन सोर्स के लिए कैसा वेवफ्रंट बनता है मैंने अपने वीडियो में समझाया था कमा लाइन सोर्स के लिए कैसा होता है इट्स ए सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट बात समझ में आ रही नहीं यार मतलब यहाँ से कुछ ऐसा वेवफ्रंट निकलेगा दिख रहा है तुमको ऐसा सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट निकलेगा Is that clear? अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं, तो दिखने में ऐसा हो बोलो रे समझ में आ रहा है नहीं आप दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट्स इज दैट क्लियर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर भी एक स्लिट है यहां पर भी एक स्लिट है इज दैट क्लियर अभी ये वाला जो वेवफ्रंट है जो जाके दोनों स्लिट्स को हिट करता है एक ही तो वेवफ्रंट है करेक्ट यहां का हर एक पॉइंट इज डिस्टर्ब एग्जैक्टली इन द सेम फैशन ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस वेवफ्रंट आर इन द सेम फेज और यहां पर अगर ये वेवफ्रंट जाके यहां पर हिट करता है तो ये वाला स्लिट का जो ये दो पॉइंट्स है दिस टू पॉइंट्स विल अगेन बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस Come on, try to understand. These two points will again produce behave as secondary source of disturbance. But the interesting thing is that both these two sources are deriving their wavefront from the same parent wavefront. इसी wavefront से दोनों sources अपना मतलब क्या बोलते हैं इसको? इसी wavefront से दोनों wavefront दोनों slits disturb होते हैं. बात समझ में आया? Is that clear? तो ये फिर से क्या करेगा ये फिर से खुद का वेवफ्रंट प्रोड्यूस करेगा ऐसा ये क्या करेगा ये भी खुद का वेवफ्रंट प्रोड्यूस करेगा बट बोथ दिस सेकेंडरी वेवफ्रंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बोथ दिस सेकेंडरी वेवफ्रंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पैरेंट वेवफ्रंट बोलो रे समझ में आया मैंने क्या कहा यहाँ पर जो तुमको ये दो डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं जैसे सेकेंडरी वेवफ्रंट्स ये सेकेंडरी वेवफ्रंट कहाँ से निकला वो तो इसी पैरेंट वेवफ्रंट से निकला ना बात समझ में आ रही नहीं यार इज दैट क्लियर तो यहाँ से जो डिस्टर्बेंस ये वाला जो डिस्टर्बेंस है और ये वाला जो डिस्टर्बेंस है दे आर एग्जैक्टली सेम बिकॉज दिस टू पॉइंट्स आर लोकेटेड ऑन द सेम वेवफ्रंट मतलब ये सा तो ये भी सा ये रे तो ये भी रे ये गा तो ये भी गा समझ में आ रहा है That means what? इस सोर्स और इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम बिकॉज बोथ दिस टू स्लिट्स हैव रिसीव्ड देयर लाइट फ्रॉम द सेम पैरेंट वेवफ्रंट तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम एंड हेंस दिस टू सोर्सेस विल नाउ बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेस राइट उसका बात का जो कहानी है वो सिंपल है मैंने ऑलरेडी तुमको साउंड के केस में समझा दिया था यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है जीरो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है जीरो तो वहाँ से सा आया होगा तो यहाँ से भी सा ही निकला है तो यहाँ पर क्या होगा कंस्ट्रक्टिव तो थोड़ा ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा फेज डिफरेंस सॉरी पार्ट डिफरेंस इंक्रीज करेगा और ऊपर जाऊँगा तो पार्ट डिफरेंस और इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं बीच में तुमको लैम्डा बाई टू मिलेगा फिर लैम्डा मिलेगा फिर लैम्डा मतलब वही कहानी आगे बढ़ेगा मैं करके दिखाऊंगा बोलो ये समझ में आया नहीं है दिस इज हाउ कोहेरेंट सोर्सेस आर अचीव्ड इन केस ऑफ लाइट वेरी सिंपल बोथ द स्लिट्स आर getting their light from the same parent wavefront. So whatever is the frequency of the same parent wavefront, dono slits se jo light nikal raha hai, unka bhi frequency parent wavefront jaisa hi hoga. Is that clear? Okay, pause.